पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीते दिन धरावी बचाओ मुहिम के तहत एक बड़ी रैली निकाली। इस रैली के दौरान उद्धव ने बीजेपी सरकार पर धरावी के पुनर्विकास के बदले अडानी को 100 करोड़ वर्ग फुट का TDR देने का आरोप लगाया। यह आरोप लगाने के साथ ही उद्धव ठाकरे ने धरावी के पुनर्विकास को सबसे बड़ा TDR घोटाला करार दिया। बता दें, उद्धव ठाकरे ने मुंबई के धरावी में पार्टी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस दल के साथ मिलकर ये मार्च निकाला था। धरावी के पुनर्विकास का काम अडानी रियल्टी को दिए जाने पर उन्होंने जमकर सरकार की आलोचना की। यह आलोचना करते हुए उद्धव का आगे कहना था, जब किसी चीज को बेचने की बात आती है तो बीजेपी सबसे आगे रहती है, और जब किसी मुद्दे पर लड़ने की बात आती है तो बीजेपी पीछे हो जाती है। धरावी पुनर्विकास के नाम पर बीजेपी ने अडानी को ब्लैंक चेक दिया है, ये हम होने नहीं देंगे। इतना नहीं, इस मामले में उद्धव ने मुंबई पुलिस को भी चेतावनी दी और कहा, पुनर्विकास के खिलाफ लोगों की जांच के लिए पुलिस का एक दस्ता भी नियुक्त किया गया था। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन पुलिस पर हमारी नजर रहेगी। इस सरकार में कुछ पुलिस और गुंडों को भी नियुक्त किया गया है। अगर हमने कोविड से लड़ते समय लाभार्थियों और गैर लाभार्थियों के बीच अंतर नहीं किया तो पुनर्विकास की बात आने पर ये बात कैसे लागू हो सकती है? इन लोगों को 500 स्क्वायर फुट का घर मिलना चाहिए और उन्हें मौजूदा स्थानों पर व्यापार करने की भी सुविधा दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि उद्धव के नेतृत्व में बीते दिन धरावी से अडानी के कार्यालय तक धरावी बचाओ महामोर्चा निकाला गया था। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने दावा किया था कि यहां करीब 7 लाख से अधिक की आबादी है, जबकि सर्वे में महज 95,000 को पात्र बताया गया है। कोई पात्र हो या अपात्र, सभी को यहां पर 500 वर्ग फुट का घर मिलना चाहिए। हम यहां के लोगों को बेघर कर अडानी के बिजनेस टावर और ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बनने देंगे। फिलहाल उद्धव ठाकरे के इन आरोपों पर बीजेपी क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।